ये फोन मैंने अपने पैसों से खरीदा है। ये कैसा हो गया? मैं करण को कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी 9:30 हो रहा है, मैं 9 बजे से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, 9 बजे नहीं एक्चुअली 9:15 से कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला था कि 9 बजे फोन मत करना, थोड़ा लेट करना, इसलिए लेट कर रहा हूँ। लेकिन ये बंदा फिर भी फोन नहीं उठा रहा है और मुझे ऐसा लगता है 101% आज, अरे आया, फोन है। ओ हो हो, 100 साल जिएगा ये। हेलो हेलो, उठा क्या? हाँ, क्या कर रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी नींद आ रहा है? ऐसा कैसे नींद आ रहा है? देखो रात को लेट सोया रहेगा ना। नहीं, जल्दी सोया, अभी जल्दी उठा था, 7:30 बजे उठा था मैं, वापिस सोया। चलो अभी टाइम पास मत करा, जा 10:30 को लेना। तो नसीब से फ़ोन उठाया, वरना मेरे को ऐसा लगा था कि 101% ये लेट करेगा। लेकिन एनीवे, चलो नमस्ते, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूँ यश कदम, आप लोग देख रहे हो फिट बाइट, एंड ऑल्सो वेलकम टू डे 3, मतलब हमारा जो सीरीज चल रहा है उसका ये डे 3 है। मेरे को ना एक्चुअली एक बहुत गंदी आदत है, उठने के बाद मैं कभी अपना बेड नहीं बनाता हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि 2022 में एटलीस्ट कुछ तो अच्छा काम करूंगा, तो उनमें से ये एक काम है। बाय द वे, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अभी नहीं बताऊंगा, अभी जाते हैं जिम में वर्कआउट करके आते हैं, घर पे आने के बाद आप लोगों को बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्या चीज़ है आप लोगों को पता चल जाएगी। उससे पहले आप लोग चाहे तो गेस्ट कर सकते हो, तो गेस्ट करो कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ वॉट वी कॉल देसी जुगाड़, जो बाहर के लोग शेयर नहीं करते रहेंगे, तो आप लोग भी बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग ने भी ऐसा कभी किया है तो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग जिम में आ चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं लेग्स और एब्स। लेग्स बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली वर्कआउट ही बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ, अभी थर्ड डे आज। तो अभी मैं आप लोग बताऊँगा जो एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग मैं करता हूँ लेग्स वर्कआउट करने से पहले, जिससे कि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है जब आप स्क्वाट्स करते हो या फिर कोई भी लेग वर्कआउट करते हो, उससे इम्प्रूव हो जाएगा, आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो लेट्स गो गाइस, एक एक करके आपको टोटल 5 स्ट्रेचिंग बताऊँगा जो कि आपको करना चाहिए लेग्स वर्कआउट करने से पहले। उससे पहले ये जरूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a goat. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros. This right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Tryna get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit. ये स्किप कर रहा है, 8 रैप मारूंगा मैं, बोल के मार रहा हूँ, बोल के सेट स्किप कर रहा है, ये कर रहा था कि नहीं? हाँ मैं इसमें से आउट है, सेट स्किप कर रहा था कि नहीं? ये सेट स्किप कर रहा था, मैं मोटिवेट किया है भाई भाई भाई, भाई। ऐसा ईगो पे लाने का फिर मारते हैं। आलसी है, एक नंबर आलसी। या 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 Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a goat. They don't want it, yeah. They scared of what I know. लामलेट हो गया ये। ऐसा कौन वर्कआउट करता है, ऐसा आगे कौन सोता है यार जिम में? दो, पांच, एक, दो, दो, चार, पांच। अबे आलू तो कर, चल चल कम ऑन भाई, सिंगल लेग, अभी सिंगल लेग, सिंगल लेग ले, सिंगल लेग ले, बस हो गया। वीडियो के लिए नहीं करते हम, बट आई वॉज मिसिंग, ऐसा वर्कआउट मिस करा था मैं। ऑल राइट, तो जिम से घर पे आने के बाद मैं सो गया था, और क्या करूँ, दोपहर को नींद आई जाती क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना। आज 60 डिग्री टेम्परेचर गया था, जो कि मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा लो है। बहुत टाइम के बाद इतना कम डिग्री गया था, मतलब 16 डिग्री। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी मैं आप लोगों को दो बातें बताने वाला हूँ, एक है अच्छी बात, एक है बुरी बात। सबसे पहले अच्छी बात जान लो क्या है, वो ये है कि फाइनली मैंने अपना फ़ोन जो है वो अपग्रेड कर लिया है। यह है 12 Pro 512 GB। अभी 512 GB क्यों और फ़ोन मैंने अपग्रेड क्यों किया, अभी जो मेरा पहला वाला फ़ोन है वो है iPhone XR, ये है 128 GB। और एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, मैं अपने Instagram पे अगर आप फॉलो करते हो आपको पता रहेगा, मैं Instagram पे फैशन से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाता हूँ। लेकिन मेरा जो XR था उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस थे, और उसकी वजह से मुझे एडिट करने प्रॉब्लम आती थी, और साथ में बहुत ज़्यादा लैग करने भी लग गया था, और एप्लीकेशन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो डिलीट नहीं कर सकता था। तो इसकी वजह से मुझे एक ऐसे फ़ोन की ज़रूरत थी जिसका स्पेस ज़्यादा हो, और साथ में उसमें टेलीफोटो लेंस भी हो, जो कि 12 Pro में था। 13 Pro भी ले सकता है, लेकिन मेरे को 13 Pro उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और मुझे इतने ज़्यादा पैसे नहीं डालने थे। ये मुझे एक अच्छे अमाउंट में मिल गया, अभी अमाउंट क्या मैं आप लोग को ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन एनीवेज फाइनली मैंने फ़ोन अपग्रेड कर लिया है। अभी ये थी अच्छी बात, अभी बुरी बात ये है कि मुझे 12 Pro के साथ में, आप लोगों को बता रहेगा कि आईफोन अभी अपने लेटेस्ट फ़ोन्स के साथ में
ये वाला केबल देता है, ये लाइटनिंग टू सी टाइप केबल। पहले जो केबल आते थे वो थे USB टू लाइटनिंग, आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं फ़ोन से जो भी शूट करता हूँ, जो भी व्लॉग्स वगैरह शूट करता हूँ, वो मैं अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में सी टाइप पोर्ट नहीं है और मेरा जो ये USB वाला केबल है वो ख़राब हो चुका है। और अगर मुझे कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो या तो मुझे ड्राइव पर डालना पड़ता है, और ड्राइव पर डालना मतलब वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है मुझे केबल लेना पड़ेगा USB टू लाइटनिंग, और वो केबल आता है लगभग 1700 या 1800 रुपये का। मुझे इतना पैसा वेस्ट नहीं करना, मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ अभी, लेट्स सी। अगर आपको कोई जुगाड़ पता है तो मेक श्योर कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे 1600-1700 नहीं डालना यार। मुझे ना एप्पल का यही चीज़ नहीं पसंद कि इतना महंगा फ़ोन लो और उसके बाद उनके एक्सेसरीज इतने ज़्यादा महंगे होते हैं। ये अडैप्टर देखो, ये अडाप्टर मैंने 2000 रुपये का लिया। पहले आईफोन्स के साथ में अडाप्टर भी आता था, लेकिन अभी अडाप्टर भी आपको अलग से खरीदना पड़ता है। और वो लोग ने ऐसा क्लेम किया है कि अडाप्टर जो है वो बॉक्स को बड़ा बना देता है, उसकी वजह से इको मतलब बॉक्स का साइज छोटा करने के लिए वो लोग ने अडाप्टर को निकाल दिया यार। लेकिन अडाप्टर के लिए अलग से बॉक्स लगता है, वो नहीं दिखता वो लोगों। शिट रीज़न लगा मुझे, शिट रीज़न। लेकिन एनीवेज ये वो कहानी थी जो मेरे को आपको बतानी थी। और इससे भी ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फ़ोन मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों की वजह से मैंने ख़रीदा है। तो सबको थैंक्स अलॉट, दिल से थैंक्स, ऐसे ही सपोर्ट करते हो और अभी वीडियोस आते रहेंगे। तो एनीवेज ये ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, ब्लॉग्स को थोड़ा छोटा और एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव रखते हैं ताकि आप लोग को देखने में मज़ा आए। तो आप लोग कुछ भी नया चाहिए हो या फिर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये व्लॉग को यही पेंट करते हैं, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, उसके बाजू में से बेल आइकन उसको भी प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ आप लोग मिस ना करो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। चलो बाय, मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान देना, बाय, ठीक है, लव यू ऑल।